आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग इस थर्मोस्टेट के ऊपर एक बात करेंगे। मैंने बहुत सारे थर्मोस्टेट पे वीडियो बनाया है, लेकिन इस थर्मोस्टेट पे वीडियो नहीं बनाया, और यही इसी थर्मोस्टेट का थोड़ा प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और अक्सर इस थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम हमेशा आता है कि जब टेम्परेचर जो आप सेट करते हैं, जो सेटिंग जो टेम्परेचर आपने सेट किया, मान लीजिए आपका रूम टेम्परेचर 20 है और आपने 18 पे सेट किया, जब आज एक 18 आएगा नए तो वीडियो के एकदम साथ हाजिर टेम्परेचर हूँ। ऑफ हो जाएगा। थर्मोस्टेट का प्रोग्रामिंग और सेटिंग बताएंगे इसका। तो इस तो थर्मोस्टेट में जामिल क्या होगा, का तो पैकेज में जो ये ऑफ तो हो थर्मोस्टेट जाता इस्तेमाल है, होता है, तो वो मिल जामिल जाएगा, स्पेशली तो जामिल जो लेकिन यूनिट है वो पांच टाइप का थर्मोस्टेट यूज़ ऑन करता नहीं है, है और सबका डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट अगर ऑफ डिज़ाइन होगा है, तो अलग अलग है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भाई इसका सेटिंग कैसा है, इसका कैसा है। तो ये एक डिफरेंट डिज़ाइन का थर्मोस्टेट है और इसका जो सेटिंग है थोड़ा हटके है बाकियों से, थोड़ा सा हटके है। बाकी थर्मोस्टेट जो चार टाइप का है वो सेम है, उसका मिलता जुलता सेटिंग है, लेकिन इसका थोड़ा सा हट के थर्मोस्टेट यूज़ करता है। और इसका सही सेटिंग अगर नहीं करेंगे तो इसमें हमेशा ये प्रॉब्लम आता है। अक्सर 99% ये होता क्या है, ये कूलिंग करता है, सब कुछ अच्छा है, ओके रहता है, लेकिन बाद में ये टेम्परेचर से कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर कूलिंग आ जाएगा तो बंद हो जाएगा आता है और जब चलता है ऑफ हो जाएगा तो, लेकिन वो नहीं स्टार्ट नहीं होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑन होना चाहिए, क्या सेटिंग कैसे ऑन नहीं होता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए, थर्मोस्टेट का यही काम है। जब टेम्परेचर कूलिंग का जो सेटिंग की है वो सेटिंग पे जब आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए, फिर जब ऑफ होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जब बढ़े तो ऑफ हो जाना चाहिए, जब बढ़ेगा तो ऑन हो जाना चाहिए, जब कम होगा तो कंप्रेसर ऑफ होना चाहिए, जब कंप्रेसर बढ़ेगा तो कंप्रेसर ऑन हो जाना चाहिए, यही काम है। तो जितने भी थर्मोस्टेट जो जामिल यूज़ करता है, टोटल पांच टाइप का थर्मोस्टेट में सबका सेटिंग सेम है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग सेटिंग है, थोड़ा सा अलग है, तो वो सेटिंग बताते हैं। अब इसमें जो आपको सेट पॉइंट टेम्परेचर कितना दिख रहा है, रूम टेम्परेचर 29 है, लेकिन सेटिंग कितना है, 16 था, सेटिंग 16 है लेकिन रूम टेम्परेचर 99 था। तो अब यहाँ से किसी ने सेटिंग 16 में कर दिया और कहा कि ओके है, लेकिन नहीं, ओके नहीं है, इसको कहीं और भी जाके सेटिंग चेंज करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सेम आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा, कूलिंग आएगा, वो बंद हो जाएगा, कूलिंग जब आ जाएगा तो कंप्रेसर बंद होना चाहिए बिल्कुल टेम्परेचर से, 29 जब 16 पे आएगा तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऑन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, उसकी वजह यह है कहीं पर और आपको जाके सेटिंग चेंज करना हो, तो जाने के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत इजी है, सिर्फ एक बटन का इस्तेमाल करना कुछ नहीं, टोटल एक ये और ये दोनों अप डाउन का। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम बटन PROG, सिर्फ इसको प्रोग्राम को एक बार प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आया, ऐसा करके 1 2 3 4 आएगा, सबका सेटिंग चेंज करना। अभी कितना है, पहले चेक के तो वहाँ 19 था, यहाँ पर 26 है, इसको चेंज करना होगा। तो अभी इसको 3 बार प्रेस करना है, एक हम लोग पहले प्रेस कर चुके हैं, ये 2 हो गया है, 3 तीन बार दबाए, अब ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसका सेटिंग को डिक्रीज़ कीजिए जितना आपको चाहिए, 21 में 20 में डाल दीजिए, फिर अब यहाँ पर इसको देखिएगा, एक है ना, तो आपको सेट नंबर 2 पे जाना होगा। अभी हीटर आया, हीटर को उसको ज़रूरत नहीं है, अभी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ नंबर 2 आ गया, तो नंबर 2 आ गया था, 29 था, इसीलिए वो ऑफ होता है, टेम्परेचर से ऑफ होता है लेकिन ऑन नहीं होता। ये सबका सेटिंग को डिक्रीज़ करना होगा, सेट करना होगा लो पे, हाँ, कूलिंग के हिसाब से। तो अभी एक बार और प्रेस कीजिए, एक बार और, अब देखिए 3 3 बार प्रेस करना है, तो फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आसानी से सेम 20 के सेटिंग पे डालिए, ओके, फिर एक बार और करेंगे, हीटर पे चले गए, नेक्स्ट 3 आ गया, एक और, 3 बार प्रेस करना है। नेक्स्ट स्टेज पे आपको कूलिंग पे जाना, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए, फिर आप यहाँ से प्रेस कीजिए, होल्ड करके रखिए, इजीली वो अपने का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। 20 पे डालें, एक बार और हीट आ गया, फिर कूलिंग 4, ये लास्ट है आपका, करके एक बार और बस 20 पे डाल के इसको आप सेटिंग छोड़ दीजिए, बस यही है, 20 पे सेट हो गया। अब फिर बस और कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी वो सेट हो चुका है, बस वो ऑलरेडी सेट होगा, लेकिन आपको 1 मिनट आपको वेट करना होगा, ठीक है, 1 मिनट वेट करना होगा। पावर ऑन रहे, ऑफ रहे, एसी ऑन रहे, ऑफ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेट आप कर सकते, उसमें कोई मसला नहीं। हाँ, या वो अपना जो आपने सेट किया था वो सेट हो चुका है।